जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं रोटी बना रहा हूं और रोटी को फुलाने का कोशिश करूंगा। रोटी फुलाने के लिए पहले गोल बेलना ज़रूरी है, उसके बाद उसे तवे और पर सेक कर गोल रोटी फुला रहा हूं। देखिए रोटी मेरा गोल हो चुका है। अब मैं इसे दूसरे रोटी को सेकूंगा, दूसरे रोटी को सेकने के लिए पहले उसे तवा पर चढ़ाएंगे। अभी हम रोटी को तवा पर चढ़ा दिया मैंने, एक तरफ से हल्का आंच करेंगे और दूसरे तरफ से उसे थोड़ा ज़्यादा गरम करेंगे, सेकेंगे और उसके बाद रोटी को सेकेंगे। देखिए सेकने से रोटी कैसे गुपचुप के भांति फूल रही है, बहुत मेहनत करके मैंने रोटी बनाना सीखा है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने भाइयों को भी ये शेयर करूं, जिससे वे भी रोटी बनाने में अपने आप को सक्षम कर पाएँ।